नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा शो मेडिकली स्पीकिंग और मैं हूँ प्रेरणा। गुलाब प्रेम, पवित्रता, विश्वास और सुंदरता का प्रतीक है। भारत सहित कई एशियाई देशों में गुलाब जल सदियों से ब्यूटी रेजाइम का हिस्सा रहा है। गुलाब के फूल, फूल से तैयार रोज वाटर, रोज एसेंशियल ऑयल का भी प्रयोग किया जाता रहा है। खुशबूदार होने के कारण इसका प्रयोग और अधिक बढ़ जाता है। इसकी औषधीय क्षमताओं के कारण ही प्राचीन चिकित्सा और ब्यूटी प्रोडक्ट में इसका खूब इस्तेमाल होता है। तो आइए जानते हैं माँ के बताए गुलाब की पंखुड़ियों से बालों को मजबूती देने के उपाय। दोस्तों, गुलाब में एंटीऑक्सीडेंट गुण के साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी क्षमता भी होती है। गुलाब और गुलाब जल जलन और सूजन कम कर सकता है। गुलाब में विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं। ये सूजन को रोक सकते हैं। गुलाब के सूजन रोधी गुण स्कैल्प के एक्जिमा और सोराइसिस खत्म करने में भी मदद कर सकते हैं। गुलाब से तैयार गुलाब जल तेल उत्पादन को कम करते हैं, ड्राइनेस खत्म कर डेंड्रफ फॉर्मेशन को रोकते हैं और बालों को मजबूती देते हैं। डेंड्रफ के कारण हेयर फॉल की समस्या होती है, इससे बालों का विकास प्रभावित होता है। दोस्तों, गुलाब के सूजन रोधी गुण हेल्दी स्कैल्प बनाते हैं और बालों के झड़ने को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं गुलाब की पंखुड़ियों से बालों को मजबूती देने के कुछ उपाय। दोस्तों, गुलाब की पत्तियों को पीसकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को उंगलियों के सहारे धीरे धीरे स्कैल्प पर लगाएं। आधे घंटे तक लगा रहने दें और आधे घंटे बाद अच्छे हर्बल शैम्पू से धो लें। गुलाब की पंखुड़ियों को उबाल कर, दोस्तों 2 से 3 गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़ लें। इन्हें 2 कप पानी डालकर धीमी आंच पर उबाल लें और इसके बाद इसे छान लें। इस तरह से ये गुलाब जल तैयार हो गया। शैम्पू से बाल धोने के बाद इस पानी से स्कैल्प और बालों की मालिश करें। लगाने के बाद इसे पानी से भी धो सकते हैं। इस खुशबूदार पानी से बाल मुलायम भी बनेंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारियां हासिल करने के लिए देखते रहिए हमारा शो मेडिकली स्पीकिंग। धन्यवाद।